गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन एंड हैप्पी दसरा टू ऑल ऑफ यू। मैं देख रही थी कि बैकग्राउंड कहाँ से अच्छा आएगा, बट कहीं पे बैकग्राउंड अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि जहाँ वहाँ देखो मेसी मेस है, इसीलिए कहीं पर बैकग्राउंड अच्छा नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो आज पूजा वगैरह कर ली थी, सुबह सब हुआ था, अभी सोना वगैरह देंगे भगवान को। जो पत्ते होते हैं यहाँ पे, तो वो पत्ते दिए जाते हैं एक दूसरे को, उसे सोना बोलते हैं हम लोग, तो वो देंगे और उसके बाद हम लोग भगवान को देंगे, और उसके बाद हम लोग वहाँ पर जाएंगे मेरे ससुराल, जैसे कि हर साल जाते हैं। तो इस बार ससुराल का ही दशहरा होगा, मतलब यहाँ पर तो हम लोग रहेंगे नहीं, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी है यहाँ पर, कहीं जाने के लिए भी मतलब मन नहीं कर रहा है हमारा कॉलोनी में। तो वहाँ पर जाएंगे, वहाँ का ही दशहरा मनाएंगे, नहीं तो हम लोग हर साल क्या करते हैं, जाते हैं वहाँ पर और चले आते हैं इधर, फिर इधर का दशहरा मनाते हैं, बट इस साल ऐसे नहीं होगा, वहाँ का ही दशहरा मनेगा। तो चलिए भगवान की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। ये माही ने लाके दिया है मेरे पास, तो ये इसे बोलते हैं सोना, तो ये अभी भगवान को देंगे। और इस तरह से काम हो चुका है यहाँ पे, तो आज ना छुट्टी है उन लोगों को, मतलब कोई भी नहीं आया है करने के लिए काम, तो इसी वजह से आज तो बिल्कुल काम नहीं हुआ है, तो कल का ही ये सब कुछ ऐसा का ऐसा ही पड़ा है, कुछ भी काम नहीं हुआ है आज। एक्चुअली सब लोग रेडी हो गए थे, मेरा ही बाकी था, क्योंकि सबका रेडी करके फिर मुझे करना पड़ा, मतलब आदमी का कुछ दिख नहीं रहा था, इस सारी चीज़ों में ना कुछ भी दिख नहीं रहा, इतना गलाठे में तो सारा करना पड़ा था इसी वजह से। और मुझे तो मेरा कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो ये सिंपल सी साड़ी पहनी, ये वाला ब्लाउज पहना है, तो ये तो आपने देख ही लिया होगा मीशो हॉल में, तो ये मैं फुल लुक आपको बाद में दिखाऊंगी, या तो ससुराल में दिखाऊंगी, नहीं तो अभी दिखाऊंगी, बट पहले पूजा कर लेते। चलो यहाँ ना पूजा करा ला, ये देखो बहुत अच्छा सोना है, ये देखो इसमें इतना सारा सोना तोड़ के रखा है माही ने, और माही ने भी ये रेड वाला पहना है, इन्होंने भी रेड पहना है, सिर्फ अद्विक का रेड दिख नहीं रहा था, इसी वजह से अद्विक ने आज रेड नहीं पहना। एक्चुअली हम लोग थोड़े से ही कपड़े ऊपर लेके गए थे, आप लोगों को तो पता ही है, तो इसी वजह से इतना कुछ, और जो कुछ हम लोग लेके गए थे उसी में हम लोगों ने एडजस्ट किया है सब कुछ। तो मैं आपको ये थोड़ा सा अच्छा हुआ कि ये जो ब्लाउज है वो मुझे अच्छे से फिट आया, नहीं तो फिर पता नहीं, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या पहनूंगी दशहरे के दिन, बट चलो अच्छा हो गया, ये हो गया है। तो कैसा लग रहा है लुक जरूर बताना कमेंट करके, मैं फुल लुक आपको बाद में दिखाऊंगी। एक्चुअली यहाँ पर पूजा चल रही है हमारी, मतलब फूल वगैरह सोना वगैरह दे रहे हैं हम लोग, जो आपटे के पत्ते बोलते हैं उसे, तो वो आपटे के पत्ते भगवान को चढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग फिर किसी को भी चढ़ा सकते हैं, पहले भगवान को देते हैं, फिर उसके बाद मम्मी पापा को देते हैं, उसके बाद सबको देते हैं, तो ऐसे करके हमारे साइड में होता है। और हाँ, जो भगवान का मंदिर है अभी अच्छे से चमक रहा है, नहीं तो आपको पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कितना ज़्यादा गंदा हो गया था, और 2 घंटे लगे मुझे ये वाला क्लीन करने के लिए, जो मेरा पुराना है, और वो वाला क्लीन करने के लिए। तो ये सारा क्लीन किया, भगवान के जो क्या होता है बर्तन वगैरह है वो क्लीन किए, अभी दिया वगैरह आपको दिख रहा होगा कि चमक रहा है, दिया वगैरह क्लीन किया, सब कुछ क्लीन करके फिर आज पूजा की थी। तो इतना ज़्यादा मतलब उसमें ही टाइम चला गया कि मैं शूट भी नहीं कर पाई। एक्चुअली ट्राइपॉड फिक्स करने में और ये करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इतना टाइम मेरे पास आज नहीं था, और उसमें खाना भी बनाता था, तो त्यौहार का खाना तो आपको पता ही होता है कि कितना ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मैंने ना आज सिंपल सा खाना बनाया था। सिंपल सा मीन्स क्या बोलते हैं, पातोड़ी की सब्जी बनाई थी, उसके बाद दाल चावल रोटी और खीर बनाई थी, वो कद्दू की खीर जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, ऑलरेडी इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, मैंने आपको बोला भी था कि और एक बार शेयर करूँगी इसकी रेसिपी, और कढ़ी बनाई थी, तो ये सारा खाने में था। चलिए अभी निकलने वाले हैं हम लोग, ये लॉक कर रहे हैं घर को, और आज शायद उधर ही रुकेंगे हम लोग, है ना माही? हाँ। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, घर जाने के बाद आपसे। ये कौन सा आदविक, वो बैठने के लिए नहीं है, नहीं पापा ने ये बनाया है, पापा ने बनाया है, बैठने के लिए नहीं बनाया, लेकिन वो हाथ के लिए रखने के लिए। डंबल उछलने का डंबल, अभी डंबल ही बोल रहा था वो, डंबल रखने ये ओढ़ने का, ओढ़ने का क्या बोलते उसको, फिर वो पत्ता का, कौन सा रेड कलर का ना, मैं खींचने देते उसको। अच्छा अच्छा, वो डोरी, हाँ वो छोटा सा ये वाला, इसमें रखना, ठीक है, कुछ की कुछ भी बोलता है। अच्छा
यहाँ पर ना घर पे पहुँच गए थे। घर पे पहुँचते ही सबसे पहले घर के भगवान को दिया और उसके बाद सोना मम्मी पापा को दिया। तो यहाँ पर बच्चे भी वैसे ही सोना दे रहे हैं एक दूसरे को, और गांव के लोग भी आ रहे थे सोना देने के लिए। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है, मतलब एक दूसरे के घर जाते हैं सोना देते हैं, सबसे पहले हमारे घर वालों को देते हैं, उसके बाद एक दूसरे के घर जाते हैं। और आज सब घर वालों से मिल लीजिए। ये मेरे ससुर जी है, ये मेरे बड़े जेठ है, एक्चुअली जिठानी जी बड़ी जेठानी है, वो रेडी हो रही थी तो उनसे मैं मिला नहीं पाई। उनसे तो आप मिल ही चुके हो महालक्ष्मी के टाइम वगैरह। और ये मेरी बीच वाली जेठानी है जो चेयर पे बैठी है, और उसके बाद आप जेठ जी को भी देख लेना बाद में। और ये उनकी बेटी है ईश्वरी, इसको भी देखा ही है आपने, मेरे घर पे आई थी मेरे बर्थडे के टाइम भी ये थी ही वहाँ पे। और उसके बाद अभी ये चाचा भतीजी का डांस देखिए आप, बहुत कॉमेडी करते हैं ये उसके साथ और बहुत सताते हैं उसे। वैसे ये बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाते हैं पूरे, और बहुत परेशान करते हैं बच्चों को। तो इस तरह से ये चाचा भतीजी का डांस हो रहा है, और अभी डांस होगा उसके बाद हम लोग फिर उधर जाएंगे, मतलब हमारा जो चाचा का घर है, इनके चाचा का जो घर है उनके यहाँ पे हम लोग जाएंगे। बट वहाँ पर मैं शूट नहीं कर पाई कुछ भी, क्योंकि बाहर मैं इतना ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ गांव में, तो इसीलिए इतना ज़्यादा होता नहीं है यार, क्योंकि अजीब लगता है मुझे यहाँ पर गांव में शूट वगैरह करना। तो कभी मैं गांव में घूमी नहीं हूँ ना इसी वजह से। और यहाँ पर दूसरे दिन का है, मतलब हम लोग वहाँ पर ही रुक गए थे और फिर सुबह आ गए थे, तो सुबह ये काम वाले आने वाले थे काम करने के लिए, तो इसी वजह से हम लोग सुबह ही आ गए थे यहाँ पर। तो यहाँ का नज़ारा देख लीजिए आप, यहाँ पर इस तरह से हो रहा है सब कुछ। तो ये देख लीजिए नीचे, ये सब कुछ गलाठा पड़ा है और यहाँ पर काम चल रहा है। तो कुछ इस तरह से ये मायका लगाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये जो मायका है उसे चारकोल शीट बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है। मैं आपको पास से बाद में दिखाऊँगी, क्योंकि अभी आप ऐसे ही देख लीजिए, और पास से मैं आपको जब फुल टूर दूंगी तब दिखाऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से होती है। मतलब जब लाइट गिरता है ना उस पर बहुत ज़्यादा चमकती है। इस तरह से इन्होंने ये कवर करके रखा है पूरा, और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तो आपने देख ही लिया है शायद। इसको अभी भी वो हुक लगाना बाकी है, मतलब वो जो हैंडल होते हैं वो लगाना बाकी ही है अभी भी। तो मैं सोचा चलो जो भी हुआ है वो आपको दिखा देती हूँ, जो भी कुछ काम अब तक हुआ है, मतलब पिछले ब्लॉग में आपने जो देखा था ये सारा कवर कर दिया है उन्होंने, मतलब टेपिंग कर दी है इसे पूरे, इसको न्यूज़पेपर से कवर कर दिया है पूरा जो हुआ है पैनलिंग वगैरह, उसको न्यूज़पेपर से कवर कर दिया है ताकि उसे कलर ना लगे, पेंट ना लगे और उनका काम ना बढ़े, इसी वजह से उन्होंने कवर कर दिया है पूरा। और यहाँ पर तो आपने देख ही लिया है ये सारा कुछ, तो फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप देख लीजिए, मतलब इस तरह से जो न्यू सब्सक्राइबर्स है या न्यू व्यूवर्स है उनके लिए दिखा रही हूँ। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से बेसिन के नीचे बनाया है, और उसके बाद मैं आपको वहाँ का दिखाती हूँ जो मंदिर का किया है उन्होंने, मंदिर के पास का भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर POP यहाँ के आपने देखी या नहीं पता नहीं, आप अभी भी देख लीजिए, POP कुछ इस तरह से हुई है यहाँ की, मतलब वो शक्करपारे के शेप का वो दिया है वहाँ पर उन्होंने। और ये जो है कुछ इस तरह से मंदिर को भी टेपिंग की हुई है, पूरे मंदिर कुछ इस तरह से टेप किया है, न्यूज़पेपर से पैक किया है पूरा। और इस तरह से यहाँ पर आप देख लीजिए पूरा गलाठा ही गलाठा है, क्योंकि यहाँ पर कलर हो रहा था किचन में, तो इसी वजह से ये गलाठा है। पहले सीलिंग को कलर हो रहा है और उसके बाद फिर वॉल को होगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए यहाँ पर स्टोर रूम का भी नज़ारा देख लीजिए, स्टोर रूम की हालत कुछ इस तरह से हो चुकी है अभी, क्योंकि स्टोर रूम को भी फाइनल टच करना है, मतलब टचअप बाकी है फाइनल टचअप उसका भी। तो इसी वजह से आप देख लीजिए यहाँ पर भी उन्होंने न्यूज़पेपर लगाया है, और अंदर मैंने डिब्बे रखे थे तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, तो वो भी आप देख लीजिए। थोड़ा सा पिछले ब्लॉग में आपने डिब्बे वगैरह नहीं देखे थे, तो मैंने अभी जो जो मतलब उन्होंने घस के दिए हैं वो डिब्बे मैंने लगा दिए हैं, अभी के लगा दिए हैं इस तरह से। सिर्फ बाद में मतलब कुछ चीज़ों को जगह नहीं थी ना बाहर रखने के लिए, और उस पर धूल बैठ जाती, इसी वजह से मैंने इसके अंदर ही डाल दिया सब कुछ। ये अभी का ऐसे ही सेट किया है, इसका फुल टूर आपको बाद में देखने के लिए मिल ही जाएगा, तो इसके फुल टूर का वेट करना। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, इसके साथ मेरे दो और चैनल है उसको भी चेक कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय।